हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आप इसे आसानी से नाश्ते में या हल्की फुल्की भूख में बना के खा सकते हैं। यह है डिबा रोटी की रेसिपी जो साउथ इंडियन रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इसे हमें कैसे बनाना है और किन चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें चाहिए ये उड़द दाल। मैंने यहाँ पर उड़द दाल लिया है और मैं आपको बताती हूँ कितना क्या लेना है। और ये है इडली रवा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप उड़द दाल ली है। इस कप से मैंने नाप के 1 कप उड़द दाल ली है और सेम कप से नाप के मैंने 2 कप इडली रवा लिया है। ये नॉर्मल इडली रवा, ये नॉर्मल सूजी या रवा नहीं है। ये देखिए मैं आपको, ये ऐसे दानेदार आता है। आप इसे किसी भी किराने की दुकान पे बोलेंगे कि हमें इडली वाला रवा चाहिए तो ये आपको दे देगा। ये सूजी या रवा नहीं है, ये इडली रवा है। तो देखिए मैंने इसको भिगा करके 3 से 4 घंटे पानी में भिगो करके रखा था 1 कप उड़द दाल और 2 कप इडली रवा को। फिर जब ये अच्छी तरह से फूक जाएगा तो हम जो ये उड़द दाल है उसे हम मिक्सी में पीस लेंगे आधा ग्लास पानी डाल के, और एकदम स्मूथ पेस्ट इसका तैयार करेंगे। फिर इसे एक बड़े बर्तन में निकालेंगे और फिर जो हमने ये रवा इडली वाला जो रवा लिया था उसे हम पानी से भिगो कर ऐसे हाथ से इसे ऐसे दबा कर इससे इसका पूरा पानी निकाल लेना। आप एक कॉटन के कपड़े से इसे छान भी सकते हैं, और लेकिन इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, इसका हम सारा पानी निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम अलग कर लेते हैं अच्छे से। देखिए मैंने सारे रवा इडली जो थी मेरी उसको मैंने निकाल के उड़द दाल में, जो हमने पीसी उड़द दाल ली थी उसमें अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर लिया है। इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे अच्छी तरह से हमें 5 से 7 मिनट तक फेंटना है। जितना फेटेंगे उतना अच्छा ये बनेगा। इसे अच्छी तरह से फेट ले। देखिए मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से इसे फेट लिया है, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से फेटने के बाद ढक करके इसे हम रख देंगे जब तक कि ये फूक के डबल ना हो जाए या इसमें खमीर ना आ जाए। इसे ढक करके रख देंगे। 3 से 4 घंटे लग सकते हैं इसमें खमीर उठने में या इसे डबल होने में। देखिए इसमें अच्छे से खमीर उठ चुका है और कितना फ्लफी हो चुका है हमारा ये डो, जो भी मिक्सचर था वो कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें चाहिए जीरा पाउडर। यहाँ मेरे पास जीरा पाउडर है, 1 चम्मच मैं उसमें जीरा पाउडर डाल दूँगी। और यहाँ पर मेरे पास अदरक लहसुन और हरी मिर्च है, जिसे हमने पेस्ट नहीं बनाया सिर्फ दरदरा पीस लिया है, वो इसमें डाल देंगे। और साथ में एक छोटा प्याज मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। प्याज और लहसुन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहे तो कोई बात नहीं। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही स्लो इसे मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा फेंटते हुए नहीं करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर हमने यहाँ पे एक एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है, उसमें हम डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच के लगभग तेल। और फिर जो हमने ये मिक्सर भी रेडी किया था वो हम कटोरी की सहायता से या कलछी की सहायता से इसमें तेल में डाल देंगे। जितना मोटा या जितना पतला आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप डालिए। मैंने ये 2 छोटी कटोरी इसमें डाली है। और चलिए थोड़ा सा और डाल लेते हैं। और इसे हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से प्लेन कर लेंगे। बस इसे ऐसे ही अब हम छोड़ देंगे। और इसे हमें ढककर पकाना है स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि अपने साइज़ से फूल के डबल ना हो जाए और बहुत फ्लफी ना हो जाए। देखिए मैंने इसे 10-15 मिनट तक शायद ढक के पकाया था, ये ऊपर से भी थोड़े पक चुके हैं। इसे हम पलट देंगे, कितना अच्छा कलर आया है इसमें। और अगर आप चाहें तो वैसे तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर चिपकने का थोड़ा डर हो तो आप 1 चम्मच तेल डाल के दूसरी तरफ से भी हम 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। देखिए हमारी डिब्बा रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप नारियल की चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन या सारी वीडियो का पता आसानी से चल सके। थैंक यू, बाय बाय।